नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी हम पहुंचे हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ, जहाँ के कुछ शिक्षक गण हैं, जो इंटरमीडिएट के शिक्षक हैं, वो ग्रामीण विकास मंत्री से मिलने आए हैं। ये अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। इन्हें भी 4-5 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय की राशि नहीं मिलने से शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है, तो हम इनसे बात करेंगे। मैम, ऐसा है कि झारखंड के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं, उसमें इंटर की कक्षाएँ चलती है और हम लोग इंटर के शिक्षक हैं। हम लोग 10-12 साल से वहाँ पर कार्यरत हैं। हम लोग को जो स्टूडेंट का जो पैसा आता है, वो फी के रूप में मिलता है 12,000 रुपया मात्र, जिसकी स्वीकृति जैक से मिलती है। और जितने भी शिक्षक हैं, सब पीजी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और मानदेय इतना कम है कि हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता है। अभी झारखंड सरकार ने सेवा शर्त नियमावली जो बनाई है, हम लोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग को समायोजित किया जाए और हम लोग को स्थायीकरण किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। अभी आलमगीर आलम जी मंत्री जो हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे संक्षेप में बातचीत हुई। वो जल्दी जाने वाले थे, इसीलिए पूर्ण रूपेण हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाए। और इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को रख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक ये हमारी बात जाए और सेवा शर्त निमाली जो है, उसमें हम लोग को समायोजित किया जाए और हम लोग को स्थायीकरण किया जाए। हम लोग एक मांग आए थे मंत्री जी यहाँ देने के लिए, क्योंकि क्या है ना, केंद्र सरकार द्वारा जो कि नियम निकाला गया है, जो आपको कोरोना काल में किसी भी स्टाफ का पेमेंट नहीं काटना है, वो सब यहाँ झारखंड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं, मैक्सिमम कॉलेज में आज ऐसा स्थिति है जो 4-5 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है, जो कि अब शिक्षक का बहुत बुरा स्थिति हो गया है। और इसीलिए हम लोग मांग पत्र आज दिए। तो अभी आपने इन शिक्षकों की मांगों को सुना कि किस तरह से ये मांग रख रहे हैं। और जैसा कि अभी नई शिक्षा नीति के तहत +2 तक का जो प्रावधान है वो किया जा रहा है, तो इनका कहना है कि इंटरमीडिएट वाले शिक्षक कहाँ जाएंगे। और तमाम और भी कुछ मुद्दों पर इन्होंने बात करी है कि शिक्षकों की उम्र सीमा भी बढ़ाई जाए, चूँकि इनकी उम्र सीमा जितनी थी वो समाप्त होने वाली है, तो कुछ उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग रख रहे हैं। इन तमाम मांगों के साथ ये ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके हैं, हालांकि वो जल्दी में थे, इनकी बातों को पूरी तरह से नहीं सुन पाए हैं। देखते हैं कितना अमल हो पाता है, ग्रामीण विकास मंत्री इनकी समस्याओं को कितना समाधान कर पाते हैं। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि शर्मा।